तो वहीं उधर तमिलनाडु में आज राहुल और स्टालिन दहाड़ेंगे साथ साथ। केरल में किसने कहा बीजेपी और कांग्रेस है एक साथ। चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी का कौन सा रंग देखने को मिला। राज्यों के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9:21 का राज्याभिषेक। तमिलनाडु में राहुल गांधी और डीएमके सुप्रीमो स्टालिन अब एक साथ रैली करेंगे। सेलम के सेनालकेन पट्टी में दोनों नेता एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी चेन्नई के शास्त्री नगर में सुबह 11:15 पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केरल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दो रैलियों के साथ साथ पुथुपल्ली और इरिंजालाकुड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं वर्कला के एनार्कुलम में रोड शो करेंगे। केरल के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। शनिवार को जेपी नड्डा ने 4 रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने दावा किया कि केरल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार सरप्राइज देगी, जिससे विरोधियों की पत्ती कुल हो जाएगी। केरल में चुनावी जंग के बीच सीएम पिनराई विजयन ने राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन का आरोप लगाया है। विजयन ने कहा है कि ईडी के खिलाफ न्यायिक जांच की घोषणा की गई क्योंकि उनके खिलाफ कई आरोप थे। बीजेपी की तुलना में विपक्ष के नेता इस जांच के खिलाफ क्यों आ रहे हैं, वो परेशान क्यों है, ये अशांति कांग्रेस भाजपा के संबंधों की निरंतरता है। तमिलनाडु में चुनावी हलचल तेज है। शनिवार को कोयंबटूर के दक्षिण सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार किया। इस बीच उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ डांडिया भी खेला। डांडिया खेलते वक्त सभी महिलाएं मास्क में नजर आई। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कमल हासन को बीजेपी प्रत्याशी से खुली बहस करने की चुनौती दी। तमिलनाडु में चुनावी जंग के बीच 1000 स्लाइड्स विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी खुशबू सुंदर ने बड़ा वादा किया है। खुशबू सुंदर ने कहा है कि उनके क्षेत्र में अगर बच्ची जन्म लेती है तो उनके खाते में तुरंत 1,00,000 रुपए जमा कर दिए जाएंगे। खुशबू सुंदर के इस वादे पर डीएमके ने तंज कसते हुए कहा, हार के डर से वो ऐसे वादे कर रही है। असम में दोबारा सत्ता पाने के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा जीत के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सिलचर में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई। पहले चरण में 72.30% वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि असम में पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं कांग्रेस गठबंधन ने दावा किया है कि इस बार असम में बीजेपी की हारथा है। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बेहद अहम माने जा रहे उपचुनाव में ऐसे चेहरे उतारे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी और राजसमंद से तनुसुख बोरा को मौका दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।